वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज डीबीएस क्रेडिट कार्ड के बारे में बजाज पिनसर्व और डीबीएस बैंक का ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च होता है तो उस क्रेडिट कार्ड में काफी बढ़िया बेनिफिट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और यही बेनिफिट लेने के लिए हमें डीबीएस बजाज फिनसर्व क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना होगा लेकिन अप्लाई करने से पहले हर इंडिविजुअल के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कितना बेनिफिट होगा क्रेडिट कार्ड के फीचर क्या है बेनिफिट क्या है तो इन सबको ही हम एक्सप्लोर करके देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड में हमें बेनिफिट होगा या फिर हमें ओनली फोर चार्जेस ही लगाए जाएंगे तो क्रेडिट कार्ड के जितने भी बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी बेनिफिट मिलते हैं हम उसको एक्सप्लोर करेंगे इसके जो भी हिडन चार्जेस है उनको भी हम देखेंगे

20000 कैश पॉइंट आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर प्रोवाइड किए जाते हैं ये वेलकम बेनिफिट अचीव करने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगा जो भी आप पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे कार्ड इशू होने के बाद में विद इन 60 डेज में आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगा आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट कीजिए 20000 का कैश पॉइंट बेनिफिट आपको रिसीव हो जाएगा और कार्ड के माध्यम से आप कहीं पर भी टू हंड्रेड रुपीज को स्पेंड करेंगे तो आपको टू कैश पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे जाएंगे अगर आप डीबीएस डिलाइट की मेंबरशिप अवेल करते हैं तो आपको यहां पर 40% वैल्यू बैक प्रोवाइड किया जाएगा और ये वैल्यू बैक आपको कैश पॉइंट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी रिवर्ड पॉइंट कैश पॉइंट आप इस क्रेडिट कार्ड में अर्न करेंगे उन रिवर्ड पॉइंट को आप फ्लाइट टिकट बुकिंग होटल बुकिंग शॉपिंग डाइनिंग एंड अदर इनमें आप रिडीम कर सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑफर का भी आपको बेनिफिट होता है लाइक लाइफ स्टाइल हेल्थ वेलनेस फूड ट्रेवल एंड मोर आपको ये बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड में आपको और भी बढ़िया बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा कैश पॉइंट में 20 का डिस्काउंट आपको कैश पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा अगर आप जोमेटो प्रो गाना हिंदुस्तान टाइम बेवकूफ एंड मोर इनकी मेंबरशिप लेते हैं मेंबरशिप के लिए आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट होगा जो भी डिस्काउंट होगा वो आपको कैश पॉइंट में रिसीव होगा इस क्रेडिट कार्ड में आपको एट कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट होता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको दो प्रोवाइड की जाती है जो कि पर ईयर होगी डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट आप आठ बार ले सकते हैं एक साल में अगर आपको पता नहीं है कि लॉन्च एक्सेस क्या होती है तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कर लिया है आई बटन पर आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर लूंगा आप उस वीडियो पर विजिट करके देख सकते हैं बेसिकली गाइस आप जब भी फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो वहां पर रेस्ट करने के लिए लॉन्च बना होता है उसमें आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे वहां पर जितनी भी सर्विसेज होती है उसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं फॉर आपको अपने बजाज डीबीएस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कराना है आपका दो या फिर ट्वेंटी फाइव रुपीज का एक चार्जेस लिया जाएगा उसके बाद में जितने भी वहां पर लॉन्जेस में सर्विस अवेलेबल है उनको आप यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल चार्ज का भी बेनिफिट होता है वन परसेंट का फ्यूल चार्ज आपको बेनिफिट होगा आपका जो फ्यूल पर स्पेंड है वो मिनिमम फोर हंड्रेड और मैक्सिमम फोर थाउजेंड के बीच में होना चाहिए तो फ्यूल चार्ज बेनिफिट होना ही चाहिए क्रेडिट कार्ड में क्योंकि हम फ्यूल पर स्पेंड करते ही है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप एटीएम से कैश मनी विद्रॉ करते हैं तो आपको इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल पीरियड प्रोवाइड किया जाता है अप टू फिफ्टी डेज का बट गाइस यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं इसके डाउन में आप देख सकते हैं टू पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट और फाइव हंड्रेड फी इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो बजाज या फिर डी बी एस बैंक यहाँ पर चार्जेस लगाएगा ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है आई थिंक स्पेशल हेल्थ प्लान भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अलावा अगर आप बजाज डी बी एस क्रेडिट कार्ड का यूज करके डाउन पेमेंट करते हैं बजाज फाइनेंस ई एम आई कार्ड जो होता है आप में से काफी लोग यूज भी कर रहे होंगे आप अगर डाउन पेमेंट करते हैं कोई भी जो प्रोडक्ट बाय करते हैं डाउन पेमेंट करने के लिए आप डीबीएस बजाज फाइनेंस क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो आपको अपने डाउन पेमेंट पर पांच परसेंट का कैशबैक मिल जाएगा काफी बढ़िया बेनिफिट है बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड काफी लोगों के पास में अवेलेबल है अगर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास में आ जाए तो डेफिनेटली आपको अपने डाउन पेमेंट पर बेनिफिट होगा क्योंकि बजाज ई कार्ड यूज करके हम any store, any online serum, प्रोडक्ट uh, है वो बाय करते ही रहते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट ही है डाउन पेमेंट करने के लिए बट गाइज अभी तक आपके पास में अगर बजाज फाइनेंस का ई कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको मैं वीडियो के डाउन में प्रोवाइड कर लूंगा लिंक पर क्लिक करके आप विद इन टू मिनट में अपना बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड बनवा सकते हैं अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा भी बेहतर है तो आपको ऑनलाइन एक बढ़िया लिमिट बजाज फाइनेंस कार्ड में देखने को मिल जाती है आप 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 अपना कंप्लीट e कर कर लीजिए उसके बाद में आप में में कार्ड कार्ड के के माध्यम से भी पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट बेनिफिट बारे देखते हैं। पर गैस मैं डाउन स्क्रॉल करता हूं। तो आप इस क्रेडिट तो आपको, आपको मिल जाएगा इस ऐप के माध्यम से आप अपने डी बी एस बजाज क्रेडिट कार्ड को एक्सेस कर पाएंगे मैनेज कर पाएंगे जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका आप ओवरव्यू कर पाएंगे कितना लिमिट आपने स्पेंड किया कितना अवेलेबल है पिन कैसे सेट करने है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे ऑन करने हैं वाईफाई वाला ट्रांजेक्शन लाइक टच एंड पे आपको कैसे ऑन ऑफ करना है ये सब आप इस ऐप के माध्यम से मैनेज कर पाएंगे नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ अगर हम बढ़े तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैच योर सुपर कार्ड टू योर लाइफ स्टाइल आप अपने यूजेस के अकॉर्डिंग आपका जो भी स्पेंड है आपका जो भी खर्चा है उसके अकॉर्डिंग आप बजाज डी क्रेडिट कार्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर इन्होंने टोटल छह क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए हैं कस्टमर को इन छह क्रेडिट कार्ड में से आप किसी भी एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं पहला क्रेडिट कार्ड हमारा फाइव एक्स सुपर कार्ड फाइव एक्स प्लस सुपर कार्ड 7x सुपर कार्ड 7x प्लस सुपर कार्ड 10x सिग्नेचर सुपर कार्ड 10x प्लस सिग्नेचर सुपर कार्ड ये छह क्रेडिट कार्ड बजाज डीबीएस के कोलैबोरेशन में बने हुए हैं और ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड का सबसे बेस वेरिएंट है वो 5x सुपर कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड का भी नील है, चार्जेस आपको पे करना होगा। अभी के टाइम में ये बट आपको हर साल इसका चार्जेस पे करना है, 499 रुपीस प्लस जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड का वेरियंट बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट भी ज्यादा देखने को मिलते हैं लाइक like यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन एक्स प्लस सिग्नेचर कार्ड के बेनिफिट को आप देखेंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड का कैश पॉइंट आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने पर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है जबकि मैं यहां पर देखूंगा फाइव एक्स सुपर कार्ड की बेनिफिट को तो यहां पर हमें 200 कैश पॉइंट फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने पर मिलता है बट गाइस मैं यहां पर आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको डीबीएस बजाज का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आप एक बेस्ट वेरिएंट का एक बार कार्ड लीजिए फिर आपको अगर इस पे बेनिफिट लगता है कि हाँ मैं इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ज्यादा बेनिफिट को अर्न कर सकता हूँ ज्यादा बेनिफिट मुझे मिल सकते हैं तो फिर आप इसके हाई वेरिएंट में भी अपग्रेड ले सकते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट को आपको मैं बता देता हूँ फाइव एक्स सुपर कार्ड टू थाउजेंड कैश पॉइंट आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने पर मिलेंगे ट्रांजेक्शन आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद में सिक्सटी डेज में करना होगा यहां पर दो सौ रुपए आप स्पेंड करेंगे कहीं पर भी कार्ड के माध्यम से टू कैश पॉइंट आपको एवरी टू हंड्रेड स्पेंड करने पर प्रोवाइड किए जाएंगे मल्टीप्लाई योर कैश पॉइंट फाइव एक्स इन गिवेन मंथ ऑफ क्रॉसिंग टेन थाउजेंड इन स्पेंड यह इनका माइल स्टोन है अगर आप एक महीने में टेन थाउजेंड से ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं तो फिर आपका बेनिफिट है वो यहां पर ज्यादा हो जाएगा फाइव एक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा आपका फी बेव करने के लिए भी कंडीशन है जो कि फोर हंड्रेड नाइन प्लस एप्लीकेबल ऑफ कराना है तो आपके कार्ड के माध्यम से आपको 50,000 का खर्चा करना होगा इतना खर्चा अगर आप एक साल में करेंगे तो आपका फी वेव ऑफ किया जाएगा 10x एक्स कैश पॉइंट ऑन परसेस मेड ऑन डीबीएस डी लाइट डी बी एस डी इनका एक प्लेटफॉर्म है वहां पर अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं कोई भी आप स्पेंड करते हैं तो आपको 10x एक्स कैश पॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे 20% का डिस्काउंट आपको ओटी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दिया जाएगा और ये डिस्काउंट आपको मैक्सिमम थाउजेंड रुपीज का प्रोवाइड किया जाएगा 20% का जो भी डिस्काउंट है वो आपको कैश पॉइंट में अवेलेबल होगा 5% का आपको बेनिफिट बजाज फाइनेंस नेटवर्क स्टोर जो कि मिनिमम आप डाउन पेमेंट करेंगे वहां पर हो जाएगा पहले आपको मैंने बता दिया है और आपको यहाँ पर अदर भी बेनिफिट हो जाता है ये फाइव एक्स क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट है अगर आप अदर क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट देखते हैं जैसे ही आप हायर वेरिएंट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ पर बेनिफिट भी इंक्रीज होते जाते हैं आप देख सकते हैं डाउन में आप ओटीटी सब्सक्रिप्शन अगर 10x एक्स प्लस सिग्नेचर कार्ड के माध्यम से लेते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट होगा कैश पॉइंट में और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 12,000 का प्रोवाइड किया जाएगा तो गैस यही क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट है और भी इसके बेनिफिट है एमरजेंसी कैश विद्रोल क्रॉस करेंसी ट्रांजेक्शन एमरजेंसी ट्रेवल असिस्टेंस कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉड प्रोटेक्शन आपको दिया जाता है कार्ड ब्लॉकिंग कॉम्प्लीमेंट्री वूट का सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है अब गाइस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट को हमने देख लिया है क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस की बात करें तो क्रेडिट कार्ड का फी एंड चार्जेस भी देखना हमें मैंडेटरी है क्योंकि उसी से हम आइडिया लगा पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड हमारे लिए कितना बेनिफिट है तो यहाँ पर आप फी एंड चार्जेस को देख सकते हैं बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक फाइव एक्स रिवर्ड सुपर कार्ड जो कि मैंने आपको बेनिफिट बताया है उसका फर्स्ट ईयर फी आपको फोर हंड्रेड नाइन रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करना होगा और सेकेंड ईयर से आपको फोर नाइन रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करना होगा ये क्रेडिट कार्ड आपको अप्लाई करना है अगर आपको बनवाना है तो बेस्ट वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड आप एक बार लीजिए फिर आपको अगर बेनिफिट दिखता है तो आपको हायर वेरिएंट क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड लेना है अब गए सेकंड क्रेडिट कार्ड बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक फाइव एक्स प्लस रिवर्ड सुपर क्रेडिट कार्ड इस कार्ड को लेने के लिए त्रिपल नाइन प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करना होगा सेम टू सेम इसका रिनेवल चार्जेस भी है थर्ड क्रेडिट कार्ड हमारा बजाज फिनसर्व डीबीएस बैंक सेवन एक्स क्रेडिट कार्ड ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए हमें फोर्टीन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज प्लस टैक्सेस पे करना होगा सेम टू सेम इसका रिनेवल चार्जेस है फोर्थ क्रेडिट कार्ड हमारा सेवन एक्स प्लस रिवर्ड सुपर कार्ड है इसको लेने के लिए एस्टिमेटेड टू थाउजेंड का ज्वाइनिंग एंड रिनेवल चार्जेस में पे करना होगा फाइव क्रेडिट कार्ड हमारा है बजाज डीबीएस कार्ड को लेने के लिए टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रूपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करना होगा है और एंड ऑफ द क्रेडिट कार्ड हमारा बजाज फिंसर डीबीएस बैंक टेन एक्स प्लस सिग्नेचर सुपर कार्ड इस कार्ड को लेने के लिए हमें फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड 99 रुपीस प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करना होगा ये गाइस इसका हायर वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है 5000 का एस्टीमेटेड इसका रिन्यूअल चार्जेस है तो काफी आपको बढ़िया बेनिफिट भी इसमें मिलेंगे बट गाइस मैं आपको यहां पर पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूं अगर आप बजाज फाइनेंस डीबीएस बैंक का सुपर कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं आपको इसके बेनिफिट बढ़िया लगे हैं तो आपको बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड ही सिलेक्ट करना है फिर चाहे आपके प्रोफाइल में हायर वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड भी क्यों ना आए आपको एक बार शुरुआत छोटे लेवल से करनी है पहले आप ये क्रेडिट कार्ड लीजिए इसमें अगर आपको बेनिफिट लगता है तो फिर आपको अपग्रेड करना है अब गाइस आपको बजाज फिंसर्व डीबीएस बैंक सुपर कार्ड अप्लाई करना है तो वीडियो के डाउन में आपको मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर लिया है लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑफिशियल पेज पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है अगर आप कार्ड के लिए एलिजिबल रहे तो आपको इंस्टेंट लिमिट प्रोवाइड की जाएगी और कुछ वेरिफिकेशन कॉल या फिर वेरिफिकेशन होगा और ये क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाएगा अब गाइस इसके अदर फी एंड चार्जेस की बात करें ये देखना हमारे लिए काफी जरूरी है आप यहां पर देख सकते हैं द ओवरव्यू व्यू पेनल्टी लेट पेमेंट फी ऑन कार्ड इज ए फंक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट अगर आप लेट पेमेंट फी करते हैं मान लीजिए आपने कोई खर्चा कर लिया और बिल आपने टाइमली पे नहीं किया है तो आपको चार्जेस लगेंगे ये गाइस करंट रेट है है इनमें फ्यूचर में चेंजेस भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नील चार्जेस ड्यू अमाउंट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड रुपीज आपका ड्यू अमाउंट है जिसको आपने ओवर ड्यू कर लिया है तो नील चार्जेस है नाइन्टी नाइन रुपीज चार्जेस आपको हंड्रेड से फाइव हंड्रेड के बीच में लगेगा और फोर नाइन्टी नाइन रुपीज का चार्जेस आपको फाइव हंड्रेड टू फाइव थाउजेंड के बीच में लगेगा टेन परसेंट का चार्जेस आपको फाइव थाउजेंड से ओवर लिमिट स्पेंड करते हैं तो ओवर लिमिट चार्जेस आपको यहाँ पर सिक्स हंड्रेड पे करना होगा वही गाइस अगर आपका कार्ड खो जाता है गुम हो जाता है आप अपने कार्ड को रीइ कराते हैं रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो आपको टू हंड्रेड का चार्जेस पे करना होगा फिजिकल स्टेटमेंट के लिए आपको हंड्रेड रुपीज का चार्जेस पे करना होगा जो आपका डिजिटल कार्ड का स्टेटमेंट आएगा उसके लिए आपको टू ईयर में हंड्रेड रुपीज का चार्जेस पे करना होगा उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न पेमेंट चार्जेस फाइव हंड्रेड आपको लगाए जाएंगे कैश पेमेंट एट ब्रांचेस आपको यहाँ पर टू फिफ्टी रुपीज का चार्जेस लगेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बैंक और बी ब्रांचेस उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर ऑन ऑफ रेलवे रेलवे टिकट, टिकट पर आपको चार्ज लगाए जाएंगे वन पॉइंट एट परसेंटेज के उसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर फ्यूल ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया वन परसेंट का आपको छर चार्ज वे मिलेगा लेकिन इस वेव ऑफ को लेने के लिए आपका ट्रांजेक्शन है वो फोर से फोर थाउजेंड के बीच में होना चाहिए अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो फिर आपको चरचार्ज लगेगा यहाँ पर गाइस आपको मैक्सिमम वेव ऑफ ओनली फॉर हंड्रेड रुपीज का प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप रेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो वन परसेंट का आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं विदेश में जाके ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको अपने ट्रांजेक्शन वैल्यू का थ्री पॉइंट फाइव परसेंटेज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करना होगा उसके बाद में गाइस आप अपने रिवर्ड पॉइंट जो कि आप कैश पॉइंट अर्न कर रहे हैं उनको रिडीम करेंगे कहीं पर भी आप रिडीम कीजिए आपको नाइनटी नाइन रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी चार्जेस पे करना होगा अब कैश पॉइंट को रिडीम करने के लिए भी इन्होंने चार्जेस लगाए हैं ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि कैश पॉइंट या फिर रिवर्ड पॉइंट में दिए जाते हैं वो हमारा बेनिफिट होता है उसको रिडीम करने के लिए भी चार्जेस है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है और गाइस एंड ऑफ द आपको मैं बता देता हूँ फोर परसेंट पर मंथ हो जाता है और एस्टिमेटेड अगर हम इसको पर ईयर कैलकुलेट करें तो हमारा फोर्टी परसेंट से लेके 48 परसेंट तक पर एन आता है तो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो आपको टाइमली पे ही करना है कभी भी आप बाउंस ना करें वरना आपको ज्यादा चार्जेस पे करने होंगे मैंने जो आपको बताया है ये बजाज डीबीएस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस है ये कस्टमर के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो फिर आपको चार्जेस लगते हैं अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को सही ढंग से यूज करते हैं तो फिर आपको ये क्रेडिट कार्ड बेनिफिट दिला सकता है अगर का इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं अपना ओपिनियन बताऊं अगर मुझे ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना होगा तो सबसे पहले मैं इसका बेस्ट वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है जो कि 5x एक्स सुपर कार्ड है इसको मैं अप्लाई करूंगा पहले इस क्रेडिट कार्ड को थोड़ा मैं यूज करूंगा मुझे लगता है कि इस क्रेडिट कार्ड से मुझे बेनिफिट हो रहा है मैं बेनिफिट को अर्न कर रहा हूं तो फिर ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए मैं इसके हायर वेरिएंट क्रेडिट कार्ड में भी अपग्रेड कर सकता हूँ बट गैस मैं भी आपको सजेशन देता हूँ एक बार आप फाइव एक्स सुपर कार्ड को अप्लाई कीजिए इसका आप अप्रूवल लीजिए फिर आप कार्ड को यूज़ कीजिए एस्टिमेटेड सिक्स मंथ तो आप यूज कीजिए आपको लगता है कि इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट है हमारा पैसा है वो सेव हो रहा है तो फिर आप चाहे तो उसके अपग्रेड भी ले सकते हैं लेकिन मार्केट में बजाज को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड और भी अवेलेबल है लाइक बजाज फाइनेंस आरबीएल क्रेडिट कार्ड उसको अगर आपको बनवाना है तो वीडियो के डाउन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर लूंगा आप घर बैठे उसको भी अप्लाई कर सकते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको मैंने डी बैंक बजाज क्रेडिट कार्ड का टोटल डिटेल आपके साथ में शेयर कर लिया है बेनिफिट फीचर फी एंड चार्जेस अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट कीजिए कार्ड आपको अप्लाई करना है तो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर लिया है फिर भी आपका कोई भी सवाल है कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के डाउन में कमेंट करें ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं आई लगी होगी अगर इंफॉर्मेशन बेटर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल बैंकिंग प्रोसेस को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रेडिट कार्ड लोन और बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले